मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? क्या आज आप कुछ नया सीखने के लिए तैयार हैं? बहुत बढ़िया। 20 तक संख्याओं का स्थानीय मान। इस वीडियो में हम सीखेंगे 20 तक वस्तुओं या संख्याओं को 10 के समूह बनाकर दर्शाना, 20 तक इकाई और दहाई की अवधारणा समझना। अच्छा बच्चों, हमने 9 तक अंक तो सीख लिए, तो पटर, क्या अब तुम अंक 7 को बोर्ड पर लिख सकती हो? हाँ दीदी, मैं अभी लिखती हूँ। 7। शाबाश। अच्छा चटर, अब तुम इन कंकड़ों को जल्दी से गिनकर बताओ कि ये कितने हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये 8 कंकड़ हैं दीदी। शाबाश, बहुत अच्छे। देखो, अब हम अपने जादू के पिटारे में से अपने प्यारे प्यारे काउंटर्स को निकालेंगे। पटर, अब 9 काउंटर्स बोर्ड पर लगाओ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये लग गए 9 काउंटर्स। पटर, बताओ कि 9 के बाद क्या आता है? 9 के बाद 10 आता है दीदी। हाँ चटर, हमारे हाथों में उंगलियां कितनी हैं? 10 उंगलियां हैं दीदी। मेरे साथ गिनो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। शाबाश, बहुत अच्छे। देखो, अब हम अपने जादू के पिटारे में से गणित माला को निकालेंगे। चलो इसको पहले 2 किलों पर लटका लेते हैं, ऐसे। अब एक तरफ से गिनते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। बटर, अब गणित माला में मोतियों को गिनना शुरू करो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। बिल्कुल ठीक। तो ये हो गए हमारी गणित माला के 10 मोती। यहाँ देखिए, हमारे पास इस ढेर में लकड़ियां हैं, जिन्हें गिनकर हमें बंडलों में बांधना है। पटर, इन्हें गिनना शुरू करें। 1, 2, 3, 4, 5। अरे लेकिन अभी तो बहुत सारी लकड़ियां बाकी हैं, इन्हें गिनने में तो बहुत समय लग जाएगा, अब क्या करें? पर क्यों ना हम 10 लकड़ियों का एक बंडल बना लें? याद है ना कि 10-10 के समूह में गिनना आसान होता है। चलो हम फिर से गिनते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये गई 10 लकड़ियां एक बंडल के अंदर, और बाकी कितनी बची? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 लकड़ियां बच गई दीदी। हाँ सही बताया। अच्छा चलो, अब अपने जादू के पिटारे से बेस्ट एंड ब्लॉक्स निकालें और इसे और अच्छी तरह से समझें। ये देखिए, ये हैं छोटे छोटे पीले रंग के ब्लॉक। एक ब्लॉक को एक इकाई कहते हैं। इकाई? हाँ, 1 से 9 तक की गिनती के सभी अंकों को इकाइयों में दर्शाया जाता है। इन्हें एक एक करके गिना जाता है। जैसे ये मैंने इकाई का एक पीला ब्लॉक यहाँ लगा दिया, तो ये हुई एक इकाई, समझे ना? हाँ दीदी। अब ये एक और एक, यानी 2 पीले ब्लॉक्स हुए 2 इकाइयां। इसी तरह ये 3 ब्लॉक्स हुए 3 इकाइयां। अच्छा अब ये बताओ कि ये कितनी इकाइयां हैं? 1, 2, 3, 4, 4 इकाइयां दीदी। बिल्कुल ठीक।
अच्छा, 5 इकाइयाँ दर्शाने के लिए हम कितने ब्लॉक्स लगाएंगे? 5 ब्लॉक्स। हाँ, तो ये लग गए 5 पीले ब्लॉक्स। अब इसी तरह 6 पीले ब्लॉक्स यानी 6 इकाइयाँ, 7 ब्लॉक्स यानी 7 इकाइयाँ, 8 ब्लॉक्स यानी 8 इकाइयाँ, और फिर 9 ब्लॉक्स हुए 9 इकाइयाँ। सबको समझ आ रहा है ना? हाँ दीदी। बच्चों याद रखना, 9 तक की संख्याओं को हम इकाई कहते हैं। तो ये हो गया हमारा इकाई का कॉलम। जब तक 9 इकाइयाँ थीं, तो वो इकाई के कॉलम में आराम से खुली हुई पड़ी थीं। जैसे ही एक और इकाई आई और वो 10 हो गई, तब वो इकाई के कॉलम में नहीं रह सकती। तो वो कहाँ जाती होंगी? सोचो सोचो। बच्चों 10 इकाइयाँ मिलती हैं, तो 1/10 बन जाती है। तो ये रही आपकी 10 छोटी-छोटी इकाइयों से बनी हुई 1/10। 10 इकाइयों के बदले में अब ये 1/10 की नीली पट्टी अगले स्थान यानी दहाई के स्थान पर लग जाएगी। इकाई और फिर दहाई? हाँ पटर। अच्छा, जब इन इकाइयों को मिलाकर 1/10 बनकर वो दहाई के कॉलम में चली जाएगी, तो इकाई के कॉलम में क्या बच जाएगा? इकाई के कॉलम में कुछ नहीं बचेगा, है ना दीदी? हाँ चटर, यानी दहाई के स्थान पर 1 और इकाई के स्थान पर कुछ नहीं। कुछ नहीं यानी 0। तो बच्चों देखा आपने कैसे बन गई हमारी संख्या 10? 10 का अर्थ है 1/10 और 0 इकाई। ठीक जी दीदी। जब तक हमारे पास 10 से कम लकड़ियां हैं, तो उन्हें हम इकाई के स्थान पर रख सकते हैं। जब इकाई के स्थान पर 9 से ज्यादा लकड़ियां हो जाती हैं, तो उन्हें हम दहाई के स्थान पर 10 के एक बंडल में डाल देते हैं। एक बंडल यानी 1/10। समझे ना कि 1 इकाई का अर्थ केवल 1 लकड़ी होता है, परंतु 1/10 का अर्थ 10 लकड़ियों का 1 बंडल होता है। अब मान लीजिए हमने इकाइयां गिनी, 10 इकाइयां हो गई। 10 इकाइयों को हमने 1/10 से बदल कर दहाई के स्थान पर लगा दिया, लेकिन फिर भी 1 इकाई पीछे बच गई, यानी 1/10 के साथ अब 1 इकाई भी, यानी ये संख्या हुई 11। अच्छा बताओ तो चटर, 11 को गणितमाला पर कैसे दिखाएंगे? दीदी ये 10 मोती का एक समूह और 1 मोती, ये हो गए 11 मोती यानी संख्या 11। बिल्कुल ठीक। फिर 1/10 और 2 इकाइयों को हम 12 कहते हैं। इसी तरह 1/10 और 3 इकाइयों को 13 कहते हैं। 1/10 और 4 इकाइयां 14, 1/10 और 5 इकाइयां 15, 1/10 और 6 इकाइयां 16, 1/10 और 7 इकाइयां 17, 1/10 और 8 इकाइयां 18, 1/10 और 9 इकाइयां 19, और फिर 1/10 और 10 इकाइयां 20। यहाँ पर भी हम 10 इकाइयों को 1/10 से बदल देंगे, तो फिर ये हुई 2/10 यानी 20। समझे ना? हाँ दीदी। तो बच्चों देखा आपने कि संख्या में सबसे दाईं ओर का अंक इकाई कहलाता है और उसका बायां अंक दहाई। याद रखना। अच्छा चटर, अब बिना गिने बताओ यहाँ कितनी लकड़ियां हैं? 1 बंडल है, लेकिन लकड़ियों को कैसे गिनेंगे? ये तो हम जानते हैं कि 1 बंडल में 10 लकड़ियां हैं और यहाँ 6 लकड़ियां खुली भी रखी हुई हैं। यानी कुल लकड़ियां हुई 10 और 6 = 16। जल्दी से बताओ 12 में कितने दहाई और इकाई हैं? 12 में हुए 2 दहाई और 1 इकाई। अरे नहीं, संख्या में सबसे दाईं ओर का अंक इकाई कहलाता है, ठीक, और उसका बायां अंक दहाई। याद है ना? 1/10 और 2 इकाइयां है ना दीदी?
बिल्कुल ठीक। चलो चटर, अब बताओ कि 19 को बेस 10 ब्लॉक से दर्शाएंगे कैसे। 19 यानी एक दहाई और 9 इकाई, तो इकाई के कॉलम में 9 पीले ब्लॉक लगाएंगे और दहाई के कॉलम में एक नीली पट्टी। बिल्कुल ठीक, शाबाश। बच्चों, आपने 20 तक की संख्याओं के स्थानीय मान की अवधारणा को समझ लिया है। अब आपको गतिविधियां भी करनी हैं, जिससे आप इस अवधारणा को खेल खेल में और अच्छे से समझ पाओगे। और हाँ, इसके बाद वर्कबुक में दिए प्रश्नों का खूब अभ्यास भी करना है, ठीक है? ओके बच्चों, बाय बाय बाय। बच्चों, अब मैं जाती हूँ, कल फिर मिलने आती हूँ। इंग्लिश में अब होंगी बातें, मैथ सीखेंगे हंसते गाते। पहेली किस्से और कहानी सुनना अब तुम मेरी जुबानी। बात पड़ी है सीधी सीधी, मैं हूँ आपकी संपर्क दीदी। आपको ये वीडियो देखकर मजा आया ना? अगर आप इस वीडियो से संबंधित अन्य संसाधन जैसे कि अन्य वीडियो, गतिविधियाँ, क्विज इत्यादि देखना चाहते हैं, तो अभी डाउनलोड करें संपर्क स्मार्ट शाला मोबाइल एप्लीकेशन। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें। और भी नए नए वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना न भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द YouTube और संपर्क स्मार्ट शाला ऐप पर।